हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर बात करने वाले हैं डेयरी के बारे में। डेयरी क्या होता है, एज ए अगर आप बात करें मर्चेंट शिप में, तो पहले क्रेन नहीं हुआ करता था, पहले क्रेन के जगह पर डेरिक होता था। क्रेन और डेरिक में डिफरेंट क्या है, तो जो डेरिक है, डेरिक का स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा क्रेन से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो एज ए डेरिक पहले शिप में यूज़ किया जाता था, क्रेन यूज़ नहीं किया जाता था। तो डेरिक दो टाइप का होता है, ठीक है। एक अगर दो डेरिक को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो वो बन जाता है यूनियन परचेस। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट इज़ यूनियन परचेस, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू डेरिक इज़ कॉल्ड यूनियन परचेस। तो आज हम लोग यूनियन परचेस के ही बारे में प्रॉपर जानेंगे। वैसे मैंने ऊपर हेडलाइन दे के रखा है डेरिक, ठीक है। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज डेरिक, तो डेरिक इज ए लिफ्टिंग गियर, इट इज आल्सो कॉल्ड कार्गो गियर। फिर से सुन लीजिए, डेरिक इज लिफ्टिंग गियर, इट इज आल्सो कॉल्ड कार्गो गियर। तो हम लोग डेरिक के बारे में जान लिए, और दो डेरिक को अगर एक साथ मिला दिया जाता है तो उसको बोलते हैं यूनियन परचेस, ठीक है। तो डेरिक का आखिर वर्क क्या होता है, तो ये कार्गो को लिफ्ट कराना होता है और कार्गो को स्विफ्ट कराना होता है, यानी कार्गो को लोडिंग करके ले जाएगा और उसको उचित स्थान पर एज ए शिफ्ट कर देगा। तो इसलिए कार्गो डेरिक को बोला जाता है डेरिक इज ए लिफ्टिंग गियर, इट इज आल्सो कॉल्ड कार्गो गियर, ठीक है। वन डेरिक हैव ए फोर ब्लॉक, वन डेरिक हैज ए फोर ब्लॉक। जो एक डेरिक होता है उसमें फोर ब्लॉक होते हैं। तो हम लोग डेरिक के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे डेरिक का यहाँ पर मैं फिगर नहीं बना पाया हूँ, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये है डेरिक, ठीक है। तो डेरिक का वैसे मैं फिगर नहीं बना पाया हूँ, लेकिन जो आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ पर आप डेरिक देखेंगे, ठीक है। डेरिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जीके के ऑनलाइन क्वेश्चन में, सॉरी जीएसके के ऑनलाइन क्वेश्चन में आपको डेरिक का फोटो पूछता ही है कि ये पार्ट कौन है। तो एक्चुअली पहले आप लोग समझ लीजिए कि डेरिक में कौन कौन से पार्ट होते हैं, और जब आप अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको डेरिक दिखाई देगा, तो कुछ उससे आइडिया ज़रूर होगा। सो दिस वीडियो इज कंपोज्ड बाय द ओनली GSK प्रैक्टिकल टीचर अनिल घोष सर। सो एवरी वन प्लीज ए रिस्पॉन्स एंड रिस्पेक्टेड ऑफ द अनिल घोष सर, बिकॉज अनिल घोष सर आज द कंपोज दिस वीडियो, ओके। तो चलिए डेरिक के बारे में पढ़ लेते हैं। डेरिक का डिफिनेशन बता दिया, डेरिक इज ए लिफ्टिंग गियर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्गो गियर। और दो डेरिक को आपस में मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है यूनियन परचेस। तो कोई क्वेश्चन आपसे पूछ देगा व्हाट इज यूनियन परचेस, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू डेरिक इज कॉल्ड यूनियन परचेस। तो चलिए डेरिक में क्या पार्ट होता है, तो डेरिक में जो सबसे ऊपर वाला जो बंबू की तरह होता है उसको बोलते हैं सैमसन मास्ट, सैमसन पोस्ट। इसका दो नाम होता है, एक सैमसन मास्ट भी होता है, एक सैमसन पोस्ट भी होता है। उसके बाद जो दो नंबर होता है उसको बोलते हैं डेरिक बूम, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह दो डेरिक होते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है और ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं सैमसन मास्ट या सैमसन पोस्ट। इसके ऊपर एक वेंटिलेटर लगा होता है, और यहाँ से जो निकली होती है दो बम्बू उसको बोलते हैं डेरिक बूम, ठीक है। उसके बाद वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में अपने आई बटन में कहीं दे दूंगा, वहाँ पर जाकर अगर मैंने अपने कॉलेज में शूट आउट किया होगा तो देख लीजिएगा। अपर स्पेन ब्लॉक, डेरिक में फोर ब्लॉक होता है प्लस वन एक्स्ट्रा ब्लॉक होता है जिसको लीड ब्लॉक कहते हैं। तो आप इस तरह बोल सकते हैं डेरिक हैज ए फोर ब्लॉक प्लस वन एक्स्ट्रा ब्लॉक, दिस ब्लॉक इज कॉल्ड लीड ब्लॉक। तो डेरिक में फोर ब्लॉक होते हैं, ठीक है। अपर स्पेन ब्लॉक, सबसे ऊपर वाला जो ब्लॉक होता है उसको अपर स्पेन ब्लॉक बोलते हैं। ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक जो होता है जिससे रस्सी वायर निकल कर आती है, जिसे आसानी से हम लोग कैरी कर सकते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो दूसरा ब्लॉक होता है उसको बोलते हैं लोअर स्पेन ब्लॉक। उसके बाद जो बूम में ब्लॉक लगता होता है उसको बोलते हैं हेड ब्लॉक या जीन ब्लॉक। क्वेश्चन पूछता है कि हेड स्पेन ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है, तो जीन स्पेन ब्लॉक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे को बताए थे अनिल घोष सर, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाला ब्लॉक होता है, सबसे नीचे जो डेरिक के यहाँ पर लगा होता है इसको बोलते हैं हिल ब्लॉक, ठीक है। और जो सबसे नीचे जो आपको पोर्ट में लगा होता है यानी डेक में लगा होता है उसको बोलते हैं लीड ब्लॉक। वैसे लीड ब्लॉक का कोई यूज नहीं होता है, कभी कभी यूज होता है, तो इसलिए एक अपवाद इसको माना जाता है। डेरिक गाय, डेरिक गाय का अर्थ क्या होता है कि जो दो वैसी गाय जो होती है जो यहाँ से लेकर, ठीक है, सैमसन मास्ट से लेकर, आपका सैमसन मास्ट से लेकर डेरिक बूम से होते हुए टॉपिंग विंच में आकर मिलती है उसको बोलते हैं डेरिक गाय। उसके बाद होता है प्रिवेंटर गाइड। प्रिवेंटर गाइड क्यों यूज होता है, तो एज ए प्रिवेंटर गाइड एज द यूज ऑफ द सेफ्टी पर्पस। और बाय द वे रनर वायर और डेरिक गाय इज द डैमेज और ब्रोकन
देन यूज ऑफ द प्रिवेंटर गाई। एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए कि डेयरी गाई अगर क्या हो गया, पार्ट हो गया, रोप जब टूटता है तो ब्रोकन नहीं बोलते उसको, पार्ट बोलते हैं। इफ द डेयरी गाई इज पार्ट देन प्रिवेंटर गाई इज द प्रिवेंट ऑफ द कार्गो ऑपरेशन। एक्चुअली मान लीजिए कि अगर आप कार्गो ऑपरेशन कर रहे हैं, कार्गो को पोर्ट से अपना कार्गो होल्ड में रख रहे हैं या डेक पर रख रहे हैं और डेक से कार्गो होल्ड में स्वीट कर रहे हैं, तो उस टाइम अगर डेयरी का गाई यानी डेयरी का गाई टूट गया यानी उसका वायर टूट गया, तो प्रिवेंटर गाई क्या करता है उसके जगह पर यूज कर लेता है, आपका कार्गो सामान नष्ट होने से बचाता है। देखिए इसके बदले मेरे को एक चीज याद आ गया, ठीक है, उसको बोलते हैं रनर गार्ड। ये मेरे को याद नहीं था लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे को याद आ गया रनर गार्ड। जो आपका जो मैंने आपको बोला जो डेरिक बूम होता है ना, ये देखिए ये आपका जो डेरिक बूम होता है ना, तो यहाँ पर एक रनर गार्ड होता है जिसमें से हमारा गाई निकल कर आती है, इसको सेफ रखता है, ठीक है, तो उसको रनर गार्ड बोलते हैं। बताएंगे मैं, डेरिक गाई मैंने बता दिया, प्रिवेंटर गाई मैंने भी बता दिया। प्रिवेंटर गाई जो होता है, ये डेरिक गाई जो है आपका रोप का बना होता है, लेकिन प्रिवेंटर गाई जो होता है हमेशा वायर रोप का बना होता है, ठीक है। यूनियन प्लेट, मंकी प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, तीनों का नाम एक ही है, ठीक है। जब व्हाट इज द पर्पस ऑफ द यूनियन प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट और मंकी प्लेट? इट इज ओनली पर्पस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डेरिक। दो डेरिक को जब तक यूनियन परचेस से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक वो यूनियन परचेस नहीं बनेगा। जब दो डेरिक को, ये मैंने आपको बोला ना, दो डेरिक हो गया, ये एक डेरिक हो गया, ये एक डेरिक हो गया, जब इसको यहाँ पर लाएंगे तो एक ट्रेंगुलर प्लेट होता है जिसमें यहाँ पर लगा होता है ये वाला रनर वायर इसे, ये वाला रनर वायर इसे हो जाता है और इसमें कार्गो हुक लगा होता है, ठीक है। तो मंकी प्लेट का यूज क्या होता है? इट इज यूज फॉर लिफ्टिंग और स्विफ्टिंग, इट इज यूज फॉर क्विक लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग। मंकी प्लेट का काम यही होता है, ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है? मंकी विदाउट मंकी प्लेट आप दो डेरी को नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मंकी प्लेट मैंने आपको बता दिया, एक्चुअली ये यूनियन प्लेट है, मंकी प्लेट है और ट्रेंगुलर प्लेट है। ट्रेंगुलर प्लेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखने में ट्रेंगुलर की तरह होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कार्गो विंच। जो यूनियन परचेस होता है उसमें दो विंच होते हैं, एक कार्गो विंच होता है, एक टॉपिंग विंच होता है। कार्गो विंच का काम होता है कार्गो को स्विफ्ट कराना, ठीक है, कार्गो को लिफ्ट और स्विफ्ट कराना। और जो टॉपिंग विंच का काम होता है वो डेरिक बूम को अप डाउन और स्विफ्ट कराना होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अगर हम कार्गो लगा दिए हैं तो कार्गो विंच से ये क्या करेगा, ट्रेंगुलर प्लेट क्या करेगा, कार्गो को लिफ्ट कराएगा और कार्गो को स्विफ्ट कराएगा। लेकिन अगर टॉपिंग पिंच होगा तो टॉपिंग विंच में जो ये डेरिक बूम होता है, डेरिक बूम को टॉपिंग विंच क्या करता है, लिफ्ट और स्विफ्ट कराता है। तो यही दोनों इसमें डिफरेंट है। अब हम लोग पढ़ते हैं गन वाल, ठीक है। गन वाल एक्चुअली क्या होता है? तो इस तरह होता है, यहाँ पर एक छोटा सा क्लिंट लगा होता है, यहाँ पर हुक लगता है, तो ये पूरे पार्ट को बोलते हैं गन वाल। क्लिंट मैंने बता दिया ये होता है, हुक क्या होता है, तो जो आपको दिखाई दे रहा है ये हुक है, कार्गो हुक। पैड हुक एक्चुअली क्या होता है कि डेक, जब हम लोग डेक पर वर्क करते हैं तो डेक में भी छोटे छोटे हुक बना दिए जाते हैं ताकि कार्गो लेसिंग मटेरियल और जनरल लेसिंग मटेरियल किया जाए तो वहाँ पर हम लोग उसका यूज कर पाए, तो उसको बोलते हैं पैड हुक, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्प्रिंग पोर्ट। जो आपका गन वाल होता है, गन वाल के नीचे कुछ जगह छोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं स्प्रिंग पोर्ट। स्प्रिंग पोर्ट का एक्चुअली यूज क्या होता है? तो मान लीजिए कि अगर आपका सिर्फ रोलिंग पिचिंग कर रहा है तो पानी पूरा डेक पर आ जाएगा, डेक पर आ जाएगा। अगर पूरा जो डेक का ऊपर वाला पोर्ट है अगर पूरा ढका हुआ रहेगा तो पूरा पानी उसी में अड़ जाएगा, डेक में बाहर नहीं जाएगा। तो नीचे नीचे जगह छोड़ दिया जाता है कि पानी अपने आप ऑटोमेटिक क्या होता है, डेक के ऊपर से बाहर निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग पोर्ट। वेंटिलेशन, वेंटिलेशन मैंने जो वीडियो बनाया था, जो आपका सैमसन मास्ट और सैमसन पोस्ट होता है, इसमें क्या होता है, ऊपर वेंटिलेशन हवादार बना दिया जाता है ताकि जो भी अंदर केमिकल हो या कुछ भी हो वो वेंटिलेशन के माध्यम से बाहर निकल जाए। गुजनिक, गुजनिक यहाँ पर एक्चुअली इस तरह का लगाया होता है, यहाँ पर भी गुजनिक लगाता है, गुजनिक होता है यानी सैमसन मास्ट और सैमसन पोस्ट, सैमसन मास्ट और सैमसन पोस्ट और जो आप ये डेरिक बूम है यहाँ पर गुजनिक के माध्यम से ही दोनों को जोड़ा जाता है, तो उसको बोलते हैं गुजनिक। एक्चुअली इसका नाम गुजनिक इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये
जो कबूतर होता है कबूतर के नेक यानी गर्दन की तरह होता है, और उसको बोलते हैं रनर गार्ड। मैंने आपको बता दिया यहाँ पर जो लगा होता है रनर गार्ड होता है। एक्चुअली अब कुछ इसमें बातें उठती हैं, उसका आप लोगों को जवाब देना होगा, ठीक है। मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप फटाफट जवाब दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि हेड ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द हेड ब्लॉक, दैट इज कॉल्ड जीन स्पैन ब्लॉक। व्हाट इज द यूज ऑफ द प्रिवेंटर गाई, प्रिवेंटर गाई इज द यूज ऑफ इन केस ऑफ द डेरी गाई इज पार्ट देन प्रोटेक्ट प्रिवेंटर गाई। उसके बाद पूछेगा व्हाट इज द यूज ऑफ द यूनियन प्लेट, मंकी प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट। तो मंकी प्लेट इज यूज फॉर क्विक कार्गो लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग, इट इज ऑल्सो यूज फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ टू डेरी। फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज द यूज ऑफ द कार्गो विंच, कार्गो विंच इज यूज फॉर लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग द कार्गो। फिर आपसे पोस्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द यूज ऑफ द टॉपिंग विंच, द टॉपिंग विंच इज यूज फॉर लिफ्टिंग एंड अप एंड डाउन फॉर द डेरिक बूम। फिर आपसे क्वेश्चन, आपसे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो बस आप लोग ये फटाफट इतना क्वेश्चन अगर आप लोग जान जाएंगे तो आप लोगों को काम निकल जाएगा। तो यही हो गया, तो फिर मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में कुछ और आपको बताऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कुछ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।